आप गई नहीं या वापस आ गई मलिका? मैंने कहा था मुझे अकेला छोड़ दो। बेशक तुम शाह हो, बेशक जो चाहे कर सकते हो, किसी को भी हुक्म सुना सकते हो, और हर एक को तुम्हारे हुक्म की तामील भी करनी होगी, मुझे भी। लेकिन तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है, ये तुम्हारी हालत किसकी वजह से है? किसकी वजह से तुमने अपने वफादार सिपे सलार क्लीटस को खत्म कर दिया? और कौन मलिका? मैं खुद। नहीं अलेक्जेंडर, खंजर भले ही तुम्हारा था, लेकिन उस खंजर पर धार देने वाला कोई और ही था, वो नामुराद बारसिंग। उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि तुम क्लीटस को मौत की बाहों में सुला दो और खुद नशे के आगोश में चले जाओ, और ताकि तुम्हारी ऐसी हालत में वो तुम्हारा भी कत्ल कर सके। मैंने अपने हाथों से अपने वफादार सिपह सालार क्लीटस को मार दिया, और उसने नशे की हालत में उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने कहा था कि मेरे वफादारों के साथ मत खेलना पारसी, और तुम तो मेरे साथ ही खेल गई। अब मेरी शातिर मलिका पारसी है कहां? अपनी माँ को जानकर मैंने समझा कि औरतों की काबिलियत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। खुश नसीब हो जो हैरान कुछ और वक्त की ही देरी थी, वरना अभी मौत की गोद में सो रहे होते। भूलो मत बारसी, तुम किससे मुखातिब हो? देवता ज़ीउस का बेटा हूं मैं, अलेक्जेंडर, जिसे मिटाना नामुमकिन है। मुझ जैसा ना कोई कभी हुआ है, ना कोई है, और ना ही कभी होगा। जो ख्वाब में खुद को खुदा मान बैठे, उसका क्या किया जा सकता है? हाँ अलेक्जेंडर, अगर तुम में सलाल होता तो पूरा से बचने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझसे शादी नहीं करते तुम। अगर तुम खुदा होते तो यूं सारी सेना को जंग की आग में नहीं झोंकते। और अगर तुम में हिम्मत है तो मार डालो मुझे। क्या हुआ अलेक्जेंडर, मारोगी नहीं मुझे? कत्ल करो मेरा। तुमने मुझे मेरे अजीज और वफादार का कत्ल करने पर मजबूर किया। ये मत समझना पारसीन कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तुम्हारा खात्मा होगा पर इतनी आसानी से नहीं। तुम्हारी तमाम नफरत के बदले तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक तोहफा है। तुम्हें एक किस्सा सुनाना है जिसके लिए तुम्हें मलिका दिखना जरूरी है। इसलिए जब तक मैं लौट कर आऊं तैयार रहना पारसी।
ये लो, ये तक्षशिला का प्रमाण पत्र है। इससे साबित होता है कि तुम तक्षशिला की शहरी हो। इसके जरिए तुम्हें तक्षशिला से बाहर निकलने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और ये आम शहरियों का लिबास, मजमे में घुलना मिलना आसान होगा। इससे पहले कि अलेक्जेंडर को मेरी गैर मौजूदगी का एहसास हो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। तुमने रॉक्सन को देखा है कहीं? नहीं शाह, लेकिन वो कुछ तो कह रही थी कि वो आपके लिए कुछ करने जा रही है, या फिर शायद आप दोनों के लिए। ठीक से सुन नहीं पाया था। अगर मैंने तो कुछ नहीं मांगा था, कुछ तो गड़बड़ है। आओ मेरे साथ फेस्टिंग। क्या सूचना लाए हो अस्थि? तुम्हारा संदेह उचित था पुरो। ये देखो, यहां से तक्षशिला गुप्त पत्र भिजवाए जा रहे हैं। ये पत्र मैंने पहुंचने से पहले ही रुकवा दिया। हमारे मध्य कोई ना कोई तो विश्वासघाती है जो हमारी ओर से अलेक्जेंडर के पास सूचना भिजवा रहा है। वो जो कोई भी है, हम शीघ्र ही उसे पकड़ लेंगे। गिरो जहर बारसीन और खत्म कर दो खुद को। उस अलेक्जेंडर के हाथों से मरने से खुदकुशी करना बेहतर है। जब मैं मरना चाहती थी, तब आप लोगों ने मुझे मरने नहीं दिया। अब मैं देखना चाहती हूं कि अलेक्जेंडर किस हद तक जाता है। मुझे तुमसे मिलना है पोरस। अरे वीरो, ये भाला यवनों का है। इसकी विशेषता इसकी लंबाई है।
शत्रु तक पहुंचने से पहले ये उसका नाश कर देता है। भाले से अधिक घातक इसे थामने वाला वो शत्रु है। जब तक उसकी चाल को पहचान कर उसका नाश नहीं कर देते, तब तक मातृभूमि की रक्षा करने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अपने पीछे खड़े से सावधान रहना चाहिए पुरु, पर यह सीख जब तक तुम समझोगे बहुत देर हो चुकी होगी। यही सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। शातिर रहो, तेज दिमाग भी। अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए बारसीन कि आज मैं पुख्ता करने वाला हूं कि फारसी कभी मेरा साथ छोड़ने की सोचे भी ना। अब लग रही हो ना मलिका, वो मलिका जिसे मैं वो किस्सा सुनाने में दिलचस्प हूं। मेरी मां ने मुझसे पूछा था बारसी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। ये किस्सा उन्हें सुना नहीं सकता था क्योंकि वो खुद इस किस्से की एक अहम किरदार है। औरतें कितनी ताकतवर हो सकती हैं, ये मैंने मेरी मां को देखकर जाना। और उस औरत को कैसे कुचला जा सकता है, ये मैंने मेरे वालिद शाह फिलिप के किस्से से जाना। और अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो कुछ सालों पहले मेरे वालिद ने किया था। जानना चाहोगी उन्होंने मलिका को खामोश रखने के लिए क्या किया था? उन्हें खामोश करने के लिए उन्होंने मलिका को एक औलाद दे दी। और उसके बाद मलिका को यह एहसास हो गया था कि उनके पास मैसेडोनिया के वफादार रहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे कभी पा नहीं सकते अलेक्जेंडर। मलिका ओलंपिया को भी यही गलतफहमी थी बारसी, जब उन्होंने मेरे वालिद को बेइज्जत किया। और तुम्हारी गलतफहमी भी मैं वैसे ही दूर करूंगा जैसे उन्होंने उनकी की थी। तुम्हारे जैसे हैवान की औलाद नहीं चाहती हूं मैं। तो वो जहर खा लो जो अपनी मुट्ठी में छिपा कर रखा है। तुम्हें अच्छे से जानता हूं भासी। अब तुम्हें यहां कोई खंजर तो मिलेगा नहीं जिससे तुम मेरी जान ले सको। तो बेशक इन हालात में जहर के सिवा और क्या छिपा सकती हो तुम? तुम्हारी ये कोशिश मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तिलमिला क्यों रही हो मारसी? कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारा शौहर हूं, इतना हक है मुझे। एक बार जैसे ही तुम मेरी औलाद को जन्म दोगी, मुझे लेकर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
कुछ कदम और फिर मैं पौरव मुल्क में दाखिल हो जाऊंगी। सूचना लेकर आए हो? सीमा प्रहारियों से सूचना मिली है कि उन्होंने एक महिला को घायल किया है जो छिपकर तक्षशिला की ओर से पौरव राष्ट्र में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रही थी। एक महिला तक्षशिला से छिपकर यहाँ आ रही थी, कोई पहचान उसकी? वस्त्रों से तो तक्षशिला की दासी प्रतीत होती है, किंतु उसका व्यवहार संदेहजनक था। केवल घायल हुई है या इस समय मूर्छित है? किंतु उसकी स्थिति देखकर लगता है कि उसके पास अधिक समय नहीं है। कहाँ वो? उस दिशा में। तक्षशिला से यहां कौन सी महिला आई होगी, वो भी छिपकर? ये यहां क्या कर रही है? अच्छा युवा जो ये मरने वाली है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर को ज्ञात होगा कि रॉक्सेन की हत्या पौरव सैनिकों ने की है तो पुरु का अंत निश्चित है। तुमने बारसीन की नहीं मेरी बेइज्जती की है अलेक्जेंडर। मैंने वही किया जिसके वो लायक थी, उसे सबक सिखाना जरूरी था। और मेरी जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा तुमने? क्या गलती थी मेरी जो मुझे फिलिप के गुरूर ने कुचल दिया? मेरे साथ तो मेरे देवता ज्यूस थे अलेक्जेंडर, जो मैं दुनिया से लड़ सकी, लेकिन वो बेचारी बारसीन वो लाचार क्या करेगी? वही जो एक गुलाम करता है माँ। अलेक्जेंडर!